अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इनपुट डिवाइस हम सबको पता है वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डाटा जो है वो कंप्यूटर को या इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। इनपुट डिवाइस इज़ द पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। ये इनपुट जो है किसी ग्राफिक की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, कुछ भी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी कॉमन एग्जाम्पल्स में हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, लाइट पेन एक्सेट्रा सब आ जाते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस को हम अगर क्लासिफाई करें तो दो किस्म के इनपुट डिवाइसेस हैं आपके पास, मैन्युअली है और डायरेक्ट है। मैनुअल इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसमें आपने डाटा जब कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है तो आपने बाय हैंड करना है जब प्रोसेसिंग के टाइम पर। और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस में क्या होगा कि आपने डाटा जो है डायरेक्टली इनपुट देनी है डाटा की सोर्स से, और ट्रांसफ़र करना है आपने कंप्यूटर सिस्टम को, यानी जिस भी चीज़ से आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हो वो डायरेक्ट होगी, आपने मैन्युअली बाय हैंड जो है वो इनपुट नहीं प्रोवाइड करनी होती। इनकी जो है एग्जांपल्स अगर देखें मैनुअल में तो वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, वेबकैम एंड वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, ये तमाम जो है आपके मैनुअल डाटा एंट्री में आ जाते हैं। और डायरेक्ट डाटा एंट्री जो है उसमें आपके पास स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, OCR, सेंसर्स, ये तमाम जो है आपके डाटा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस में आते हैं। कीबोर्ड जो है आपके जिसमें आपने टेक्स्ट और करेक्टर्स को एज अ इनपुट प्रोवाइड करना होता है, 108 कीज़ अप्रॉक्सीमेटली होती हैं डेस्कटॉप की और अलग होती हैं। कीबोर्ड जो है उसमें अलग होता है सिस्टम। आपके वायर्ड कीबोर्ड्स भी होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड्स भी होते हैं और आपके लैपटॉप्स की तरह अटैच भी होते हैं। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसमें आपने ग्राफिक्स में जब आप उसको यूज़ करते हो तो आपने उसमें क्लिकिंग का फंक्शन जो है उसके बटन से वो लेना होता है। उसके अलावा आप डबल क्लिक कर सकते हो, किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक की फैसिलिटी होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है या पेजिंग की स्क्रोलिंग करनी है, तो ये तमाम फैसिलिटी जो आपको माउस प्रोवाइड करता है। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक वो डिवाइस है जिसमें हमने जो मूव करती है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, और उसमें आपने ज़्यादातर जब वीडियो गेम्स के साथ आप प्ले कर रहे होते हो तो आपने ये राउंडेड बॉल इसके दोनों एंड्स पर होता है, तो आप इस वो वीडियो गेम्स में जो है वो ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हो क्योंकि ये तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। और उसके अलावा जब आपने कोई आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइन, कोई स्कीमेटिक डायग्राम बनानी होती है तो तब भी क्योंकि इसकी पास फैसिलिटी होती है ऑल डायरेक्शंस में मूव करने की, तो आप जॉयस्टिक का जो है वो यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में दूसरी जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था इमाइल बर्लाइनर ने 1877 में, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइक भी बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर साउंड कार्ड का जहाँ पर होता है इंसर्ट पोर्ट होती है उसकी, वहाँ पर ये प्लग्ड इन होता है और आप इसको USB डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होते हैं, और इसमें आपका क्या होता है सिस्टम कि इसने आपकी वॉइस जो है वो एज अ इनपुट लेकर कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करनी होती है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन बहुत सेंसिटिव टूल है, लाइट सेंसिटिव टूल है आपके, ये ज़्यादातर जो है वो CRT वीडियो डिस्प्लेस के साथ यूज़ होता है, और इसमें आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप पिक्चर्स जो है या ऑब्जेक्ट्स जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और इस लाइट पेन के थ्रू जो आप इमेज क्रिएट करेंगे आप उसको स्टोर भी करवा सकते हैं और जब चाहें उसमें आप जिस तरह की चाहें अमेंडमेंट कर सकते हैं। वेबकैम जो है आपकी हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है और ये आपकी लैपटॉप्स में तो बिल्ट इन होता है और कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं जिनमें नहीं होता, डेस्कटॉप में ये फैसिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए आपको वेबकैम साथ अटैच करना पड़ता है। ये USB पोर्ट के साथ भी अवेलेबल होता है और जो इसमें ये है कि आपको वीडियोज़ और इमेजेस जो हैं रियल टाइम में आप कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुए आप वेबकैम के साथ अपनी रियल इमेज जो है या रियल टाइम वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो, इसी वजह से इसको हम स्मॉल डिजिटल कैमरा भी बोलते हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम जो है आपकी ह्यूमन वॉइस जो है वो एक इनपुट के तौर पे लेगा, जो हम बोलते हैं वो हमारी इनपुट होती है और फिर उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ये जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है ज़्यादा, जो आपकी वॉइस को रिकग्नाइज करता है। एक छोटा सा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और इसको जो है हम स्पीच रिकग्निशन सिस्टम भी बोलते हैं।
उसके बाद बात करेंगे हम हार्ड कॉपी डिवाइसेस की. हार्ड कॉपी डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फॉर्म व्हिच इज सूटेबल फॉर यूज बाय द यूजर. यानी हार्ड कॉपी डिवाइस जो है उसने इनपुट डिवाइस से डाटा रिसीव जो किया था उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जिसमें यूजर जो है वो फैसिलिटेट हो उसको यूज करने के लिए. इसकी जो है हार्ड कॉपी डिवाइसेस की दो कॉमन टाइप्स हैं, प्रिंटर्स या प्लॉटर्स. इन दो की मदद से जो है आप हार्ड कॉपी डिवाइस की आउटपुट यूज कर सकते हो. प्रिंटर्स जो है वो क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस कुछ भी हैं या इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन है उसको एक पेपर प्लेन के ऊपर प्रिंट आउट कर देते हैं. प्रिंटर जो है वो आउटपुट देगा या तो आपको इंपैक्ट मेथड से या नॉन इंपैक्ट मेथड से. इंपैक्ट मेथड से जो आपको प्रिंटर आउटपुट जनरेट करेगा उसमें क्या होगा कि आपका प्रिंटिंग हेड और पेपर के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन होता है. प्रिंटिंग हेड जो होता है उसमें क्या होता है कि एक स्ट्राइक हो रही होती है, नीडल होती है रिबन की, ठीक है, इंक होती है उस रिबन में, वो इंक जो है प्रिंटिंग हेड के साथ अटैच होती है और प्रिंटिंग हेड पेपर के साथ स्ट्राइक करता रहता है कॉन्टीन्यूसली आपने जो भी उसको कमांड दिया उसको प्रिंट आउट करने के लिए. इस वजह से इन प्रिंटर्स में जो होती है ज़्यादा नॉइस भी क्रिएट हो रही है क्योंकि आपका जो प्रिंटिंग हेड है वो स्ट्राइक करता है अगेंस्ट पेपर. इनके एग्जाम्पल्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स. नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं उसमें आपका पेपर और प्रिंटिंग हेड के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. इसमें क्या होता है, आपका रिबन जो होता है वो आपका वो इंक को स्प्रे कर देता है पेपर के ऊपर. इलेक्ट्रोस्टेटिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज यूज़ होता है इन प्रिंटर्स में और इसकी एग्जाम्पल है इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स. उसके बाद नेक्स्ट है प्लॉटर्स. प्लॉटर्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड पीसीज होते हैं इक्विपमेंट्स के जो कि प्रिंट आउट करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स को डिफरेंट कलर्स के अंदर. दीज टाइप ऑफ प्लॉटर्स आर मोस्ट पॉपुलर फॉर देयर एबिलिटी टू अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट डिज़ाइंस. आप इनमें से डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस जो हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड्स द ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर. ये तमाम जो हैं प्लॉटर की एग्जाम्पल्स हैं. वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है कि जब आपने कोई भी चीज़ या कोई भी फिगर आपने बनानी होती है तो आपने उसमें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें चले जाना है और उसमें आपने जो है वो अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी होती है. बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D इमेज है चाहे वो 3D इमेज है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है या कोई पॉलीगॉन है या एलिप्स है या कुछ भी आपने ड्रॉ करना है तो वो आप इसमें प्लॉटर के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो. उसके बाद है कि जो हमने पिक्चर जो ली है आपके, चाहे वो प्रिंटर से है चाहे वो प्लॉटर से आई है, उसकी क्वालिटी की बात करें तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ डॉट पर इंच पर या लाइन पर इंच पे जो कि आपके पेपर के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं. प्रिंटर की रेजोल्यूशन को जब हमने मेजर करना होता है कि इसकी प्रिंटिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है तो हम DPI में देखते हैं, यानी डॉट पर इंच, विच मीन्स द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ इंक पर इंच डैट ए प्रिंटर डिपॉजिट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर. एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर इंक जो है उसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स जो है उसने पर इंच डिपॉजिट किए हैं, डिस्प्ले कराए हैं. अगर तो उसकी DPI 300 है प्रिंटर की तो इसका मतलब है कि आपके 300 टाइनी डॉट्स ऑफ इंक जो है वो अवेलेबल होंगे एट एवरी इंच ऑफ पेपर. 300 DPI जो है ये आपका स्टैंडर्ड प्रिंट रेजोल्यूशन है, हाई रेजोल्यूशन आउटपुट है आपकी. अगर 300 DPI तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट जो है वो प्रिंटर की बहुत स्टैंडर्ड की है. अब हम एक चीज़ जो है वो देखते हैं कि डॉट्स और पिक्सल्स जो हैं वो सेम थिंग्स हैं या नहीं. व्हेन इट कम्स टू प्रिंटिंग वाया लेज़र प्रिंटर, DPI इज़ अ की मेजरमेंट टू डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ डॉट्स दैट शो अप ऑन ए प्रिंटेड पेज. जब हमने लेज़र प्रिंटर की बात करनी है तो हमने DPI के साथ डील करना है और वो हमें बताएगा कि एक पेज के ऊपर डेंसिटी ऑफ डॉट्स कितने हैं. डॉट्स जो हैं वो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा राउंड ही हों, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, स्प्लैश भी हो सकता है और वो ओवरलैप भी कर सकते हैं. यानी एक डॉट जो है वो दूसरे डॉट के साथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके कलर जो है वो इफ़ेक्ट ज़रा शार्प देते हैं जिससे सेचुरेशन जो है इमेज की वो इंक्रीज हो जाती है. पिक्सल्स जो है वो ओवरलैप कभी भी नहीं करते, उनमें हर एक पॉइंट की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, चाहे वो कलर की बात हो चाहे वो किसी भी फिगर की बात हो, उसमें आपके पिक्सल्स जो हैं वो उनकी रेजोल्यूशन ऐसे वो ओवरलैप नहीं करते. वी व्हेन डॉट्स आर ट्रांसलेटेड टू LCD स्क्रीन. अब हमने डॉट्स जो है वो प्रिंट आउट कर लिए और उसको हमने डिस्प्ले कराना है किसी भी स्क्रीन के ऊपर, आपके मॉनिटर है, LCD है, कुछ भी है, तो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है डॉट पर इंच की वो चेंज होके पिक्सल्स पर चली जाती है. ठीक है, रेजोल्यूशन जो है आपकी रेफर करती है डेंसिटी ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स, यानी कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं आपके आते हैं, वो आपकी जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे आपकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी. तो उसने यहाँ पर जो बात की है
यही किया है कि डॉट पर इंच रेजोल्यूशन जो है इमेज का डीपीआई जो है वो मैच करती है पिक्सल पर रेजोल्यूशन से, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं है। डॉट रेफर्स करता है आपकी इंक की डेंसिटी को, यानी आपकी प्रिंटिंग की जो इंक है वो कितनी डेंस है, कितनी क्लियर है, कितनी शार्प इमेज जनरेट कर रही है। पिक्सल्स जो है वो रेफर करता है इमेज की डेंसिटी को कि आपकी इमेज जो है वो कितनी क्लियर है जो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करानी है। तो इसलिए ये डॉट्स और पिक्सल्स जो हैं ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं।